गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाई बराबर 3x⁴ -4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रमाणता ज्ञात कीजिए। पहले डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 12x³ -4। ठीक, अब फिर कह रहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इजकल टू 4, ये बराबर कितना हो जाएगा भैया, 12x⁴³ -4। इसको मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 764 आएगा, 764। क्वेश्चन नंबर 2 है, कराया कि फंक्शन है, वक्र है जो y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो क्लियर सी बात है x विल नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि x बराबर 2 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कराया कि x अपॉन बराबर 10 पर इसका स्लोप ज्ञात कीजिए। इसका dy dx डी एक्स निकाल लें, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो आएगा -1 अपॉन एक्स -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इजकल टू 10 पर निकाल सकते हैं -1 अपॉन 10 -2 का होल स्क्वायर, दैट व्हाट 8×64 -1 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसका कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 हो, x कोऑर्डिनेट, मतलब कह रहा है कि x बराबर 2 पर प्रवणता। बहुत आराम से कर सकते हैं ना, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डू योर सेल्फ, आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर फाइव डू योर सेल्फ करवाया गया है इंट्रो पार्ट में। इस तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को करवाना है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। चलिए 4 आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर थीटा है a साइन क्यूब थीटा के थीटा बराबर 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए तो आप देखिए, जो पहले जो डी डी टी ऑफ एक्स निकालेंगे, डी डी थीटा ऑफ एक्स क्या करेंगे, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, मेरे ख्याल से यही आएगा। फिर डी थीटा ऑफ वाई तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, भाग दे दीजिए इसमें इसका,
तो डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ माइनस नहीं होगा सर, यहाँ माइनस नहीं होगा, तब आपका आ जाएगा क्या माइनस टेन थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पर थीटा बराबर फोर पर कितना कर रहा है सॉरी पाई बाई फोर, थीटा बराबर पाई बाई फोर पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एम वन है, क्या है ये एम वन बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई एट यक्स इजिकल टू सॉरी थीटा इजिकल टू पाई बाई फोर बराबर माइनस टेन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर वन कितना होता है एक बराबर माइनस वन। तो अब नॉर्मल की कह रहा है, माना नॉर्मल यानी अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता बराबर एम टू, लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट बी एम टू, लेट स्लोप ऑफ हो सकता है लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी एम टू, एंड यू नो दैट अब ये कोई कर्व है जो आपका दिया गया है, ये इस पर ये टेंजेंट है, ये इस पर नॉर्मल है, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए इसका स्लोप एम वन है, इसका स्लोप क्या है एम टू है, एम वन गुणे एम टू बराबर माइनस वन होता है, आपको पता है। तो एम वन गुणे एम टू बराबर माइनस वन, एम वन कितना दिया है माइनस वन, एम टू हमको निकालना है बराबर माइनस वन, तो एम टू बराबर एक, ये नॉर्मल की प्रवणता कितनी हुई एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स डू योर सेल्फ, आप खुद करें, इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं यक्स अक्ष के समांतर हैं। कोई कर्व है अपना, क्या उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या हैं यक्स अक्ष के समांतर हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है जीरो है। समझ में आ रहा, कोई कर्व ये है, अब इसका कर्व हमको तो पता नहीं है, या तो कर्व खींचे तब पता चलेगा। एक फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि कई पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ऐसे भी शायद पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है हमको जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वह एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालें डी डी एक्स ऑफ वाई व्हाट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, सिंस टेंजेंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स व्हाट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, थ्री को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करने पर माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री प्लस वन कर दूं अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा एक्स हाँ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो
या तो x बराबर 3 होगा या x बराबर माइनस 1 होगा, ठीक है, x बराबर 3 या x बराबर माइनस 1, ठीक। अगर x बराबर 3 है, x बराबर 3, तो y बराबर भैया क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए मान, 3 3 का 9 3 27 माइनस 27 प्लस 7, ये तो कट गया माइनस 20, मतलब पहला बिंदु क्या हुआ 3 20। ओके फिर क्या करेंगे आप, x बराबर क्या लिखेंगे माइनस 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3, माइनस 3 9 गुड़े माइनस 1 ये प्लस 7 कितना हुआ है माइनस 4 5 12 पॉइंट्स क्या हुआ माइनस 1 12 दो पॉइंट्स आपको मिल गए। लेट अस चेक द आंसर क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 1 12 और 3 20 गुड, ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। इस पॉइंट्स पर जो है जब टेंजेंट खींचा जाएगा तो वो दैट विल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाई वक्र वाई बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, इस पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा, देखिए पहले समझिए, एक कोई कर्व है, इस पर एक इस कर्व पर एक पॉइंट है जिस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक खींची गई है। शर्त क्या दे रहा है, इस पॉइंट को हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए एक्स वाई पॉइंट है, ये कर्व के उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को ज्ञात कीजिए जिस पर टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, 2 0 2 0 मानो 2 0 एक पॉइंट है और 4 4 है, सपोज करें पॉइंट 4 4 है, 4 4 है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या है पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 0 and 4 4, तो पता है आपको यह x1 y1 है या x2 y2 है, तो जो इसका स्लोप m1 होगा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 4 माइनस वाई वन 0 अपान एक्स टू 4 माइनस 2 एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर 4 अपान 2, दैट्स व्हाट टू। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो कर्व है, सॉरी कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना है 2 के बराबर, अब 2 के बराबर है। तो अब क्या करते हैं हम dx ऑफ y निकालता हूं, तो 2x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का dx करेंगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक। अब ये जो dx है किसी x y पॉइंट पर, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, इट मींस व्हाट 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 1, x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर
थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर वन, तो पॉइंट क्या हुआ है आपका थ्री वन, क्या हुआ थ्री वन, थ्री वन वह पॉइंट है इस पर जिस पर ड्रा किया हुआ टेंजेंट इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप के क्या है पैरेलल, लाइन के पैरेलल। ओके नोट इट प्लीज। अब कहें सर अभी छोटी वाली किताब ले लिए इसलिए कि बात तो ठीक थी लिखा हुआ ही था हिंदी मीडियम में भी, कुछ मुझे डाउट हो रहा था तो मैं इस किताब को उठाया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एलेवन एक्स प्लस फाइव एट विच टेंजेंट इज, एट विच टेंजेंट इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एलेवन, ये टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है। जैसे जो आप टेंजेंट इसे सपोज करिए कि कोई कर्व है, कोई किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट का स्लोप अलग चीज है, ये जो टेंजेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट एक्स माइनस एलेवन। ठीक बात समझ रहे हैं कि इस लाइन का जो इक्वेशन है व्हाट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एलेवन। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर अब इसका स्लोप ज्ञात करना है, इसका हमको क्या करना है, अरे जरूरी नहीं है यार कि ये पैरेलल दिख रही है भाई साहब, यहाँ से पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकती है टेंजेंट, तो ऐसे भी तो हो सकता है भाई। इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, अगर स्लोप ज्ञात करना हो हमको क्या करेंगे बताइए आप, इसका स्लोप ज्ञात करना, और इस ये तो इसका इक्वेशन है और ये किसका इक्वेशन है वाई सॉरी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अलेवन एक्स प्लस फाइव, ये कर्व का इक्वेशन है, ये किसका है टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस कर्व के इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको dx ऑफ y क्या मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन। ओके ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट एक्स वाई है, इस पॉइंट पर इसके इस पॉइंट पर इस स्लोप का कर्व है जिसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अलेवन है। ओके अच्छा चलिए अब वाई इक्वल टू एक्स माइनस अलेवन है, इसका तो स्लोप हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे इसका स्लोप, इसका खुद का स्लोप, खुद का स्लोप क्या होगा डी यहां से वाई इक्वल टू एक्स माइनस अलेवन से डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा ए। ठीक अब इसकी वैल्यू हम यहां रख दें, इसकी वैल्यू मतलब वन बराबर क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन। ठीक इसको उधर भेज दूं तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व बराबर क्या हो जाएगा जीरो, थ्री कॉमन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज टू व्हाट जीरो, यानी एक्स स्क्वायर बराबर फोर एक्स इज टू व्हाट प्लस माइनस टू। ठीक इफ एक्स इजकल टू प्लस टू तो वाई इजकल टू क्या होगा भाई, वाई इजकल टू क्या होगा कहां से ले कर्व में से ले कि यहां पर ले भाई, देखिए कांटेक्ट पॉइंट तो है ही, ये एक्स वाई इस लाइन पर भी पड़ रहा है, ध्यान दो यह एक्स वाई इस लाइन पर भी पड़ रहा है और यह एक्स वाई इस कर्व पर भी पड़ रहा है, ये तो कॉमन पॉइंट हुआ ना, तो एक्स की वैल्यू किसमें रखें इसमें या इसमें, ना क्वेश्चन है राजेश किसमें रखा जाए बोलिए क्या करेंगे इसमें। अच्छा एक बात ये पहले इस पॉइंट को हम निकालते हैं कर्व का, ठीक है
पॉइंट्स को निकालते हैं कहाँ, कारों पर, तब ये देखते हैं वो पॉइंट इस पर पड़ रहे हैं कि नहीं, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक, ज़्यादा समझ में आएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ माइनस ग्यारह दूना बाईस प्लस पाँच, आठ पाँच तेरह, तेरह माइनस बाईस तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस नाइन, यानी पॉइंट क्या हुआ, टू माइनस नाइन। अब जरा देखें कि क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्या यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो रख रखता हूँ, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस नाइन, एक्स की वैल्यू क्या है, टू, टू माइनस अलेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस नाइन। ओके, ये पॉइंट लाई कर रहा है, दिस पॉइंट लाई ऑन टेंजेंट। ओके, ये तो टेंजेंट पर लाई कर रहा है। अगर हम एक्स बराबर माइनस टू ले लें, क्या एक्स बराबर माइनस टू ले लें तो क्या होगा, ये वाई बराबर माइनस एट, बोलो भाई, प्लस ट्वेंटी टू प्लस फाइव, चलो सत्ताईस, वाई बराबर क्या आ गया, उन्नीस, बोलो भाई। अब पॉइंट क्या हुआ, माइनस टू नाइनटीन। अब देखो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करो तो 19 बराबर माइनस टू माइनस अलेवन, 19 बराबर माइनस थर्टीन नॉट इक्वल टू, मतलब दिस पॉइंट का डज नॉट लाई ऑन द डाई लाई सॉरी डाई लिख दिया बेटा लाई ऑन वाई इज टू एक्स माइनस अलेवन, सो दिस पॉइंट इज इम्पॉसिबल। इसलिए ये पॉइंट क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और चेक करना चाहता हूँ, मैंने तो इतना लंबा प्रोपेगेंडा फैला दिया, क्या इतना लंबा प्रोपेगेंडा फैला दिया, अच्छा ठीक है इसको नोट कर लिया जाए, माय लॉर्ड नोट इट प्लीज। चलो अब मैं मिटाता हूं, चलो सब मिटा देता हूं, ठीक है सब मिटा देता हूं। भाई बात ये थी कि ये दोनों एक्स वाई कॉमन पॉइंट है, एक्स की वैल्यू इसमें रखें कि इसमें रखें, अब मैं इसमें रख रहा हूं। चलिए तो y इज इक्वल टू टू माइनस अलेवन, वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन, यानी पॉइंट क्या हुआ, टू माइनस नाइन, ध्यान दो पहले टू माइनस नाइन, मेरे कहने मतलब टू माइनस नाइन यहां भी तो हो सकता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पे। अब इसको सेटिस्फाई कहां से कराएंगे, यहां से सेटिस्फाई कराएंगे साहब, कि y जगह पर, अब देखिए y की जगह पर हमने टू रखा, x क्यूब, फिर माइनस नाइन का क्यूब कराए, माइनस नाइन का क्यूब माइनस ग्यारह गुणे माइनस नाइन प्लस फाइव, बस समझ रहा है नहीं। अब हम इसको यहां सेटिस्फाई कराएंगे, अगर हो रहा है कि पॉइंट लाई कर रहा है, नहीं हो रहा है तो पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। अच्छा अगर एक्स बराबर माइनस टू लेता हूं, यहां एक्स बराबर माइनस टू, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस अलेवन माइनस थर्टीन, तो अब टू और माइनस थर्टीन को यहां देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सा है कि यहां पर जो x की वैल्यू आई, एक बार इस बराबर टू रखो,
तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट इसमें चेक कर लो ये वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर माइनस टू रखो, फिर y की वैल्यू रखो, फिर देखो कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहली वैल्यू मेरे ख्याल से पॉइंट टू और नाइन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, और जो माइनस टू और समथिंग आया था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो आंसर क्या होगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, टू माइनस नाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नेक्स्ट टू टेन। थैंक यू सो मच अगेन।